आज हम मौजूद हैं JDC के अंदर और ये शायद हमारा पहला व्लॉग है और शायद आखिरी भी हो सकता है क्योंकि हम लोग बनाते ही नहीं हैं, पता नहीं, हम सोचते रहते हैं। ये हमारे साथ हसन नईम मौजूद हैं और इनको शर्म आ रही है, पता नहीं क्यों। मैं आपको बता रहा हूँ, उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं ये। एक बार फिर देखें हसन नईम को, हम JDC के जानवर दिखाना है, हम हसन नईम। तो भाई शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हसन नईम, एक बार फिर पॉट चुराते हुए, और ये पॉट निकल नहीं रहा और निकल नहीं रहा। अच्छा, अब ये यहाँ पे आपको ऊँट नज़र आएंगे, ये ऊँट ही ऊँट है। क्यों हसन नईम, अब ये ऊँट कैसे लगे, बेहतरीन आपको कैसे लगे, बेहतरीन एक बार दोबारा बताइए। इंजर्ड ऊँट दिखाइए, इंजर्ड ऊँट, ये पता नहीं क्या हो गया। और ये कि ज़ाहिर है जब इतने सारे जानवर होते हैं तो चोट लग जाती है और ये चिल्ला भी रहा बेचारा। तो हसन नईम कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, कुछ तो कही है। मैं खुद अभी जानवर हर इंसान के अंदर एक दांत सा छुपी होती है। अबे भाई नहीं कर, ये देख क्या कैसे बाल लग रहे हैं मामू, सही है बाल हमारे। तो ये बची है, इसको जो है बांधा हुआ है 5 रस्सियों से, नहीं शायद 4 रस्सियाँ, 5 की 4 रस्सियाँ। और इनको कितनी रस्सियों से बांधना चाहिए आप लोग डिसाइड करके बताइए, इनको तो शायद जंजीरें बांधनी पड़ेंगी। और यहाँ पर ये छोटी सी बची है मौजूद है, छोटा सा बच्चा भी मौजूद है। हाथ हाय बोलो। अच्छा, सेकेंडली हमारे पास ये छोटी सी बछिया मौजूद है जो कि सो रही है। मेन व्यू अगर देखा जाए तो यहाँ से ये हसन नईम पॉट चुराते हुए, पॉट की चोरियाँ हो रही हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। अच्छा, अब यहाँ से ये धुआं जो आ रहा है ये हसन नईम पॉट पी रहे हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे, आपके पास नहीं, JDC के पास यहाँ पे सिब्बी सिब्बी भरे पड़े हैं और आप देख सकते हैं। और ये फुटबॉलर कोई जा रहा है, शायद ब्राज़ील का प्लेयर है ये, आप दोबारा देखें। उसके बाद हसन नईम, आप इन जोड़ियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़े कमाल के जानवर हैं, बोनियाँ हैं मेरी, जिनको बोने बोनी पसंद है, जो पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं उनको। हाँ, आप दिखाइए उनको। हाँ, ये बेहतरीन नस्ल की जो है, दो बोनियाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर आम तोड़े जा रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। ये डंडा लिया हुआ है, डंडा जो है पेड़ में दिया जा रहा है ताकि आम गिर जाए और आम से फ़ायदा लिया जाए। और यहाँ पे इतना बड़ा सा आम नहीं है, हम नहीं, जानवर है ये, देख सकते हैं आप, नहायत ही खूबसूरत जानवर है, आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही खूबसूरत जानवर है। आम तोड़, और यहाँ पे ये आम तोड़ते हुए हम दोबारा दिखाते हैं, डंडे दिए जा रहे हैं नाजरीन, दरख्तों के अंदर, दरख्तों में डंडे दिए जा रहे हैं, डंडे। JDC में लोग जानवर देखने आते हैं, हम डंडे देख रहे हैं। अच्छा, आते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। आइए, अब कहाँ जा रहे हैं आप? अब हम चलते हैं सिब्बी की जानिब, जो सिब्बी बहुत मशहूर है, शायद शायद अफरीदी ने भी जो है ये सिब्बी दिया था। और ये सिब्बी अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा सिब्बी, अभी बैठे में खड़े में नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं अगर बैठे में तो। और ये वाला सिब्बी, अरे हम दिखा रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और सिब्बी, ये रहा सिब्बी। और काफ़ी समझे कि ज़बरदस्त सिब्बी है, कह सकते हैं कि बेहतरीन सिब्बी है। और ये हसन नईम दीदार करते हुए सिब्बी का हाथ नहीं पहुँच रहा, हसन नईम का हाथ नहीं पहुँच रहा, अल्लाह इनको लंबे हाथ दे, इतने लंबे हाथ दे कि सिब्बी सारे उनके हो जाए। अगर हम आगे चलते हैं, आगे चले तो यहाँ पे पब्लिक मौजूद है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक मौजूद है ना। और काफ़ी अच्छा जो है चमकदार जगह है, सब गोरे गोरे दिख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं। और ये जो है बेल्जियम नस्ल के बछड़े कहलाए जाते हैं, और ये 3 बछड़े नहीं हैं आप, ये 2 बछड़े हैं और ये तीसरा आ रहा है लेकिन ये हसन नईम है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और भैंस, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद क्या फरमा रहे हैं, भैंसे का नाम पांडा, भैंसे का नाम पांडा। अच्छा, यहाँ पे एक और भैंस, पांडा भैंस, बकौल हसन नईम ये वाला जो है, ये हसन नईम का फेवरेट है, ये हमारे हसन नईम का फेवरेट है। हसन नईम कौन है? हसन नईम ये है ना स्टार। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे और काउ, पागल डुम्बे, और ये डुम्बे, और हसन नईम कह रहे हैं कि ये पागल डुम्बे जो कि टकरे मारते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप बकरे देख सकते हैं। तो मेन चीज़ हम जो आपसे मिलवाना चाह रहे थे वो है हमारे बट साहब। अब ये बट साहब जो है ना बहुत ही कोई रोबदार शख्सियत के हामिल हैं, आप ये देख सकते हैं, ये हैं बट साहब, इन्हें हम कहते हैं बट साहब।
और ये मशहूर भैंसा है JDC का, इसको सब लोग आगे देखते हैं। अब देख सकते हैं ये गुस्सा इनकी शक्ल के ऊपर, क्योंकि नाजरीन बहुत ही कोई जारहाना किस्म का मुजाहरा कर रहा है। आप ये देख सकते हैं इनकी आंखों में, देखिए आप आंखों में एक आग है। उसके बाद आप आगे अगर देखें तो यहाँ पे एक चांद बैल सो रहा है, इसका भाई लग रहा है लेकिन इसका भाई नहीं है ये। आप देख सकते हैं एक और चांद बैल, नहीं वही चांद बैल था, अब ये कोई वाइट है और इसके बाद आधे चांद है, इट इज़ नॉट फुल मून। ये वाइट कलर का ऑस्ट्रेलियन मुझे लग रहा है शायद। इसके बाद एक और ऑस्ट्रेलियन जो कि हम सब देखते हुए आ रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट ऑस्ट्रेलियन। और अब हम देखेंगे पांच टांगों वाली गाय, आप उसकी टांगे देखें। हो सकता है आपको टांगे नजर आ रही होंगी अंधेरे में, ऊंट दिखाना तो रह ही गए और ऊंट ही रहे। ये दो काले ऊंट है, नाजरीन आपने ऊंट देखे और अब आप भैंसा देखें। ये भैंसा ही रहा ये भैंसा नहीं सॉरी बनमानस था। तो ये आप देख सकते हैं अबंडेंट छोटा वाला भी है चोरी का, और ये चूहा इसकी कुर्बानी जायज नहीं है वरना ये आज जिंदा नहीं होते। उसके बाद अगर हम जाएंगे यहाँ पे आपको मिलेंगे एक बछिया और भैंसे, फिर भैंसे पता नहीं कौन से भैंसे हैं क्या है। उसके बाद फिर ये गायें, एक और गायें, और गायें ही गायें हैं यहाँ पे। ये देखें आप, ये छोटी सी बछिया है और ये सो रही है, क्या आप देख पा रहे हैं। और ये असल नहीं बनी तो हाथ लगाते हो, और ये आप ऊपर से देखें कितनी छोटी है और उसके बराबर में बड़ी भी है। हाँ वो भी दिखाएंगे, दिखाते हैं। आम चोरी करते हुए दिखा तो दिया। ये देखें आप, ये शायद नाराज है। कैसी सेल्फी पे डाल देता हूँ किसको इसको हाँ डाल दे तो हाई तो रहा हूँ हटाई तो रहा हूँ मैं। अच्छा उसके बाद सब खत्म हो गया यार, ये मंडी नहीं है, ये JDC है, मंडी नहीं है, खत्म हो गया। तो ये था हमारा JDC की एक व्लॉग, जिसका इट वाज हम्बली रिक्वेस्टेड बाय माय फ्रेंड एंड आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक अ व्लॉग